दोस्तों कल के गिरावट के बाद आज जैसे मार्केट ने हॉल्ट किया है, तो ये हॉल्ट के बाद मार्केट रिकवर करेगा या फिर और नीचे गिरेगा, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग मार्केट डेली व्यू में कि 24 फरवरी को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी, और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं डेली वीकली, और टेक्निकल एनालिसिस से बहुत सारी वीडियोस है, वो देखकर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। तो चलिए चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि कल के लिए मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो कुछ पर्सनल काम था और उसके वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे। हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में 32 पॉइंट पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी 140 पॉइंट नेगेटिव है। तो कल जैसे कि मार्केट में बहुत ही अच्छा गिरावट हुआ था, और यहाँ पे देखो तो एक लेवल ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे लगभग ये जो लेवल था 4973, उसके बाद जो मार्केट नीचे गिरा है कल, तो बहुत ही अच्छा कैंडल बनाया। एक कैंडल जो है हम इसको बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट कैंडल। हम लोग थोड़ा बड़ा करके देखेंगे यहाँ पे, तो मार्केट का अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो दूर से एक नज़दीक तक एक अप ट्रेंड ही है, बट अप ट्रेंड में भी अप डाउन होता है। मार्केट ऑलरेडी जो है कि बहुत ऊपर गया था और उसको एक टेक्निकली करेक्शन ड्यू था। तो जैसे कि 14973 ए लेवल देखे कि इसके बाद मार्केट कल कैसे गिरा है। कल जो कैंडल बना है जिसको हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट कैंडल, अगर आप देखो तो एक सपोर्ट से नीचे मार्केट क्लोज हुआ है और एक नेगेटिविटी क्लियरली मार्केट में दिख रही है। आज का भी कैंडल जो क्लोज हुआ है कलर में रेड है, भले ही मार्केट कल से ऊपर क्लोज हुआ है। कल का जो कैंडल बना है ये जो है कि उसके बाद एक कैंडल बनने के बाद जिसको हम लोग इनसाइड बायर बोलते हैं, वैसा एक मार्केट यहाँ पे बना है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट में ये देखेंगे। तो ये पहला जो कि रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट एक कैंडल का हाई है जो कि सिग्निफिकेंट कैंडल है। कभी भी सिग्निफिकेंट कैंडल आता है तो उसका लो और हाई बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर मार्केट कवर होगा तो ये हाई ब्रेक करना पड़ेगा, अगर मार्केट यहाँ से भी कवर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से एक बड़ा कैंडल का लो ब्रेक करने के बाद नीचे आ सकता है। या फिर कल ही ये जो लो बना था बड़े कैंडल का, अगर उसके नीचे भी क्लोज देता है तो फिर से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आ सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे गैप है, तो गैप ऑलवेज फिल होते हैं जैसे हम लोग कहते हैं, तो ये गैप फिलिंग के लिए भी यहाँ पे आ सकता है। अगर पॉजिटिव होना है मार्केट को तो कभी भी कल का जो कैंडल, जो सिग्निफिकेंट कैंडल है, उसके ऊपर जब ये क्लोज देगा तो ये नेगेटिविटी जो है एक कैंडल की है वो निकल जाएगी और मार्केट ऊपर जा सकता है। ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है ये कम लग रही है और नीचे ब्रेक होने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जैसे मैं ऑलवेज कहता हूँ कि हमको लेवल को देखना है ना कि सेंटिमेंट को। यहाँ पे ये जो कि नेक्स्ट लेवल गैप फिलिंग का हो सकता है जो है कि 14,300 के आसपास ये लेवल आ रहा है। तो जब भी मार्केट 14,631 का ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो ये यहाँ पे गैप फिलिंग करने को मार्केट आ सकता है, और लगभग ये ट्रेंड लाइन के आसपास, ट्रेंड लाइन कौन सा भी ब्रेक होता है तो एक फिर से एक डाउन ट्रेंड और एक आ सकता है। ऑलरेडी जो कि नियर लो ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड यहाँ पे आ चुका है। तो हमने एक निफ्टी का एक कम्प्लीटली एनालिसिस किया है। हम लोग इंट्राडे में भी देखेंगे कौन से लेवल रहेंगे कल के लिए। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ। तो देखें कि मार्केट जब भी यहाँ पे कल के क्लोज के आसपास ओपन होने के बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया है, फिर से ऊपर गया और ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट एक लगभग नीचे आके क्लोज हुआ है। कल के लिए इम्पोर्टेंस लेवल हमको रहेगा, क्योंकि यस्टरडे का लो है वो इम्पोर्टेंस लेवल रहेगा ही रहेगा 14,631। उसके पहले भी अगर हम लोग सेल कर सकते हैं तो वो लेवल रहेगा जो कि ए लो है, ए लो के आसपास ये जो लो का लेवल आ रहा है 14,675, इसके नीचे जाते ही यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। 14,631 का लेवल आ सकता है, 14,631 के नीचे जाता है तो ये बहुत ही नेगेटिव हो सकता है मार्केट के लिए। नेक्स्ट जो कि ऊपर के लिए 14,750 के ऊपर मार्केट सस्टेन होना चाहिए। इसके ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन होता है तो आप बाय कर सकते हो। तो ये लेवल कल के लिए रहेंगे, मुझे बाय से ज़्यादा सेल में यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट ज़्यादा ये दे सकता है, बट हमको लेवल कहाँ पे अपने आते हैं वहाँ पे हमको देखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में देखिए कि
ये जो नेगेटिविटी कंटिन्यू यहाँ पे, जितने भी सपोर्ट थे अपने प्रॉपर चले और ब्रेक भी किए कल, जैसे मैंने वीडियो नहीं बनाया था लेकिन अपने ये लेवल के नीचे क्लोज हुआ था तो ये नेगेटिव ही था। बैंक निफ्टी और भी नेगेटिव आ सकता है, 34,219 के यहाँ पर तक भी आ सकता है। कल क्लियर कट है कि आज का लो, क्योंकि कल का लो बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया है तो आज का लो है 34,942 के नीचे जाता है तो यहाँ पे सेल कर सकते हो, और जो है कि 34,219 का ये लेवल आ सकता है। ये लेवल आने के बाद यहाँ पे भी एक हॉल्ट हो सकता है, सपोर्ट, ये सपोर्ट का काम भी कर सकता है या फिर यहाँ से नीचे आने के बाद ये एक टारगेट का भी काम कर सकता है। बैंक निफ्टी अगर रिवर्स होगा या ऊपर जा सकता है तो हमको ये फ्राइडे का कैंडल का जो हाई है वही लेना पड़ेगा, 36.49 के ऊपर ही जाता है तो थोड़ा बहुत एक पॉजिटिविटी यहाँ पे लग सकती है। इंट्राडे में हम लोग देखेंगे कि कौन से लेवल आ सकते हैं बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे हमने नीचे का लेवल ऑलरेडी बनाया है, 34,942 के नीचे ही यहाँ पे बैंक निफ्टी में सेल होगा, और बाइंग के लिए भी जो अपना डेली का लेवल है 35,531 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक में देखेंगे हम लोग पहले रिलायंस, तो रिलायंस का जो कि चार्ट है बहुत क्लियर कट है, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियरली बने हुए हैं, रेजिस्टेंस की इधर ये लेके नीचे आ रहा है तो रिलायंस में अगर नेक्स्ट शॉर्ट बनेगा तो वो बनेगा जब भी अगर ये 1994 के नीचे जाता है तभी इसमें शॉर्ट कीजिए। बाइंग के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं यहाँ पे बाइंग का कॉल नहीं दे सकता हूँ। नेक्स्ट जो कुछ स्टॉक है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक में अच्छा एक फॉर्मेशन बनाए, जैसे कि टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स में पहले ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट किया और वहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे एक अच्छा ये बनते हुए दिख रहा है। अगर मार्केट समझो कि कभी कवर भी हो सकता है, अगर कवर होता है और ऐसे स्टॉक जो आप एंट्री करते हो तो अच्छी खासा इसमें प्रॉफिट हो सकता है। 329 के ऊपर यहाँ पे आपको पहला जो टारगेट आएगा 342 का, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आ सकता है। सेकंड जो है कि क्यूमिंस, तो क्यूमिंस में देखिए कि एक फ्लैग पैटर्न बनते हुए और लगभग ये फ्लैग पैटर्न को आज ब्रेक कर रहा था। मैंने यहाँ पे पीछे जो जाके मैंने देखा तो इसका एक सप्लाई जोन है और सप्लाई जोन के इधर यहाँ पे बहुत बार इसने टेस्ट किया है और होल्ड करके ब्रेक करने को देख रहा है। यहाँ पे जो पोजिशनल टारगेट जो रहेगा अगर ये ब्रेकआउट ऊपर करता है कल तो यहाँ से इतना जो है उतना ये जो कि ऊपर जा सकता है वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। कल के लिए इंट्राडे के लिए जो लेवल रहेगा जो कि आप वहाँ पे ब्रेकआउट होगा ये होगा 808 के ऊपर। 808 के ऊपर अगर जाता है तो बहुत ही अच्छा आपको एक स्पाइक मिल जाएगा, यहाँ पे 1-2% का भी टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये कल जरूर देखना। नेक्स्ट जो स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्री, यहाँ पे आप देखोगे तो एक सपोर्ट जोन के यहाँ पे इसने एक अच्छा पॉजिटिव कैंडल बनाया तो बालकृष्ण इंडस्ट्री में कल हम बाय कर सकते हैं। वो लेवल रहेगा 1507 के ऊपर, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है उसका आ सकता है 1610 के आसपास, यहाँ पे पहला टारगेट आ सकता है। नेक्स्ट जो है कि एक्सिस बैंक, यहाँ पे एक्सिस बैंक में देखिए कि निफ्टी जैसे ही कल का लो इसने ब्रेक किया और यहाँ पे कल हम उसको अगर बैंक निफ्टी भी नेगेटिव है सेल कर सकते हैं 712 के नीचे, 694 तक का इसका टारगेट आ सकता है। और जो है कि कोटक बैंक, तो कोटक बैंक जैसे कि बैंक निफ्टी को आज इसने पूरा ड्रैग किया है, बहुत ही डाउन हो गया है लेकिन उसका और एक टारगेट नीचे है, यहाँ पे 1804 के बाद अगर ये ब्रेक करता है तो इसका पहला टारगेट आएगा 1864 के नीचे, 1829 का टारगेट पहला यहाँ पे आ सकता है। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ कवर किए, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है तो मेरे साथ सीख सकते हो लाइव में, इसके डिटेल मैं आपको दे सकता हूँ अगर ये दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल करते हो व्हाट्सअप करते हो। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए कोर्स के बारे में तो हमारा जो वेबसाइट है topgurudeepak.in वहाँ पे जाके भी आप ज़्यादा जानकारी पा सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपनी कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।